हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप आज हम साइंस वन का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं ठीक है लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए अगर आप नहीं देखो तो देख लो और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्ले का लिंक मिल जाएगा जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको दसवीं क्लास के सारे वीडियोज मिल जाएंगे ठीक है चलो अभी स्टार्ट करते हैं देखते क्या है यहाँ पे देखो आपको एक्सरसाइज में डायरेक्ट एक्सरसाइज में आपको देखो क्या दिया गया है क्या यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको क्या है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट गिवन गिविंग रीजन क्या यहां पे देखो आपको ये ऑप्शन चूज करके इसको लिखने हैं पहला क्या है देखो टू प्रिवेंट रस्टिंग अ लेयर ऑफ यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा लेयर ऑफ जिंक ये वाला आपको आ जाएगा अ लेयर ऑफ जिंक मेटल इज अप्लाइड ऑन आयर्न शीट्स सेकेंड क्या देखो आपको सेकेंड आपको द कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट इज आपका यहाँ पे क्या आएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीडेशन ये देखो ये वाला आपका आ जाएगा ये आपका ए है और ये आपका बी है ठीक है ऑक्सीडेशन यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन सी क्या आपका वेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एसिडुलेटेड वाटर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा डीकम्पोज डीकम्पोजिशन देखो ये वाला आपका आ जाएगा ये आपका सी है क्या रहेगा डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस डी के आपका एडिशन ऑफ एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ जेड एन फोर टू एन एक्स सोल्यूशन ऑफ बी एस सी एल टू इज एन एग्जाम्पल ऑफ आपका यहाँ पे क्या यहाँ पे आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है ये आपके हो गए फिलिंदा ब्लैंक्स के आंसर अब आगे चलते हैं आगे अभी देखो क्वेश्चन टू में आपको क्या है क्वेश्चन टू में आपको राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग ए क्या इसमें देखो वॉट इज द रिएक्शन कॉल्ड वेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेसनियसली एक्सप्लेन विथ वन एग्जाम्पल तो इसका देखो जो आंसर है यह मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है ये इसका कंप्लीट आंसर है आप यहां से लिख सकते हो कि ये आपका राइट right आंसर है आप ये आप बोर्ड एग्जाम में भी चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बी क्या देखो हाउ कैन द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन नेमली डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बी इंक्रीज तो इसका देखो जो आंसर है आपका इसका देखो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको ये आंसर है इसका अभी देखो आपको सी में क्या है एक्सप्लेन द टर्म रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिविंग एग्जाम्पल्स तो इसका देखो आंसर जो है स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये इसका कंप्लीट आंसर है ओके अब देखो डी आपको क्या है एक्सप्लेन एक्सप्लेन ऑफ रिएक्शन विद रेफरेंस टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इलेट विद एग्जाम्पल्स तो इसमें देखो जो आपको आंसर लिखना है इसका कंप्लीट आंसर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये इसका कंप्लीट आंसर है आप इसमें से लिख सकते हो ठीक है अभी देखो ई e में क्या है आपको एक्सप्लेन द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इन टू इवेंट्स नेमली एडिंग एनओ टू वाटर एंड एडिंग सीओओ टू वाटर तो देखो इसका जो आंसर रहेगा आपका ई e का इसका देखो ये आंसर रहेगा ठीक है तो ये हमारा हो गया अभी आगे देखते हैं हमें थर्ड में क्या दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल्स पहला क्या देखो आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन तो एंडोथर्मिक रिएक्शन देखो इसका जो जो रहेगा आंसर वो ये रहेगा देखो इस तरीके से आप लिख सकते हो ओके okay? अभी देखो बी में क्या आपको B में आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का देखो जो आंसर है वो ये रहेगा ये आपका कंप्लीट आंसर है ठीक है देखो डी में आपको क्या है सॉरी uh, सी में क्या है बैलेंस्ड इक्वेशन तो बैलेंस्ड इक्वेशन का आपको ये आंसर लिखना है उसके आगे देखो आपको डी में क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपका जो सॉल्यूशन जो आंसर रहेगा वो ये है ठीक है अभी देखो आगे क्या आपको फोर्थ में गिव साइंटिफिक रीजन ये क्या है वेन द गैस फॉर्म ऑन हीटिंग लाइम स्टोन स्पाइस थ्रू फ्रेशली प्रिपेर लाइम वाटर द लाइम वाटर टर्न मिल्की तो इसका आंसर क्या रहेगा देखो जो इसका आंसर है वो इसका कंप्लीट आंसर आपको स्क्रीन पे मैंने डाल दिया है ये इसका कंप्लीट आंसर है ठीक है बी में देखो क्या आपको इट टेक्स टाइम फॉर पीस ऑफ शहाब टाइल टू डिस इन एच बट इट्स पाउडर डिसअपियर रेपिडली तो इसका देखो जो आपको रीजन देना है जो लिखना है वो ये रहेगा ओके okay? ठीक है अभी देखो सी में क्या आपको वाइल प्रिपेयरिंग डायल्यूट सल्फरिक एसिड फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फरिक एसिड इन द लेबोरेटरी द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड इज एडेड स्लोली टू वॉटर विथ कॉन्सेंट्रियरिंग तो इसका देखो आंसर जो आपको रहेगा वो आप ये लिख सकते हो ये इसका कंप्लीट आंसर है ठीक है अभी देखो हम डी में देखते हैं डी में क्या है इट इज रिकमेंडेड टू यूज एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम तो इसका देखो जो आंसर है जो आपको रीजन देना है वो देखो स्क्रीन पे मैंने डाल दिया है ये इसका कंप्लीट आंसर है ओके okay? अभी देखो आगे चलते हैं फिफ्थ में देखो आपको क्या दिया हुआ है फिफ्थ में आपको ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर पिक्चर आर राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन विद एक्सप्लेनेशन तो देखो यहाँ पे आपको ये पिक्चर देखना है इसको एक्सप्लेन करना है एंड उसके बाद क्या करना है आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है लिखना है एक्सप्लेनेशन के साथ तो देखो इसमें जो आपको करना है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है आपको इस तरीके से करना है ये इसका कंप्लीट आंसर है ओके चलो भी आगे देखते हैं आपको आगे क्या दिया हुआ है अगले पेज पे आते हैं यहाँ पे देखो आपको क्या है Identify from the following reactions the reactants that undergo oxidation and reduction. ओके okay, अब देखो सेवेंथ में आपको क्या है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन स्टेप वाइज उसमें देखो आपको वापिस ए बी सी डी चार इक्वेशन है तो देखो चारों के आंसर आपको एक के बाद एक करके स्क्रीन पे आएंगे अब चारों इक्वेशन के आंसर लिख लो ओके okay? पहले एक आएगा आपको उसके बाद बी का आएगा उसके बाद सी का उसके बाद डी का आप लिख लो ओके ठीक है चलो भी आगे देखते हैं में में आपको आपको क्या है में आपको दिया है दिया आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है तो देखो ए बी सी डी चार है चारों के आंसर देखो मैं स्क्रीन पे डाल दिया है ये चारों के आंसर रहेंगे आप लिख लो ओके okay? नाइन्थ में देखो आपको क्या है मैच द कॉलम इन द फॉलोइंग टेबल तो देखो यहाँ पे आपको रिएक्टेंस है यहाँ पे प्रोडक्ट्स है और यहाँ पे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है तो आपको ये मैच करना है तो देखो अगर आप देखोगे ये जो आपको फर्स्ट रहेगा इसका रहेगा ये थर्ड वाला यहाँ पे रहेगा और यहाँ पर देखो आपका ये रहेगा डबल डिस्प्लेसमेंट ओके उसका जो सेकेंड है आपका सेकेंड का रहेगा आपका ये लास्ट वाला ये लास्ट वाला रहेगा आपका और यहाँ पे देखो इसको आपको मैच करना है डिकम्पोजिशन से ठीक है डिकम्पोजिशन यहाँ पे आपको मैच कर देना है उसके बाद देखो आपको जो थर्ड वाला है थर्ड वाले आपका का आपका आंसर रहेगा देखो ये सेकेंड वाला रहेगा और उसके बाद इसको आपको मैच कर देना है फर्स्ट वाले से डिसप्लेसमेंट जो लास्ट वाला आपका बचता है इसको आपको मैच करना है ये फर्स्ट वाले से ये रहेगा आपका इससे मैच कर देना है ये रहेगा आपका ओके और ये रहेगा आपको कॉम्बिनेशन ठीक है ऐसे आपको करना है ओके तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है अभी अगले वीडियो में मैं आपको फोर्थ चैप्टर दूंगा जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हम करेंगे ठीक है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको ये वीडियो भी मिले और अगर आपको जो हमने वीडियो अभी किया है वो अच्छा लगो तो आप वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू